जी सर। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर, अभी दिख रहा है सर। इस क्वेश्चन को लाइन ग्राफ कहते हैं। तो हाँ सर। ग्राफ में लाइन बना हुआ है और लाइन देख करके हम लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए ये लाइन ग्राफ है। क्या लिखा है? फॉलोइंग ग्राफ शोज प्रोडक्शन इन थाउजेंड थाउजेंड में है ऑफ द टू टाइप्स पी एंड क्यू ऑफ व्हीकल्स बाई अ फैक्ट्री ओवर द ईयर 2009 से लेकर 2014 तक। 2009 से लेकर 2014 तक का प्रोडक्शन थाउजेंड में दिया हुआ और दो कंपनी है, एक कंपनी पी और दूसरा क्यू, और उनका प्रोडक्शन है 2009 में, यानी 2009 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2010 में पी का कितना। तो देखो तो टाइप पी सर्किल वाला है, ग्राफ दिख रहा है अच्छे से? नहीं सर, मुझे तो ब्लर दिख रहा है। हाँ, आप अच्छे से दिखने लगा सर। तो ग्राफ अच्छे से दिख रहा है, तो उसमें देखो तो 2009, 10, 11, 12, 13, 14 सब है। 2009 में पी कितना है? सर 100 हंड्रेड 100 हंड्रेड है सर। करोड़ और 2010 में पी 125 125 यहाँ एकदम वन क्लियर ट्वेंटी लिखा हुआ, फाइव आगे नहीं लिखा रहेगा। तो ग्राफ से हम लोग को, चूंकि स्टार्ट करें लाइन ग्राफ का भी क्वेश्चंस, तो इसलिए वैसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो एक लाइन ग्राफ जो आपका ये वाला है, ये जो है ये पी को शो कर रहा है और ये जो है ये किसको शो कर रहा है, क्यू को। तो देखो 2009 में यहाँ पे देखें ये 100 है, ये 2010 में 125 है, ऐसे ये 200 है, 225 है, सब गिवन है। नजर सर, आ रहा है सर रिकॉर्डिंग कर उनको? तो लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू 2010 से 2011 में, यानी क्यू 2010 में देखना है। तो देखिए क्यू 2010 में कितना है और क्यू 2011, तो क्यू 2010 में क्यू 2010 150 है ₹150 सर, और 2011 में 125 है, 125, तो कितना डिक्रीज हो रहा है? तो ट्वेंटी आपसे पूछ रहा है डिक्रीज परसेंट, तो ये होगा 25 आउट ऑफ किससे कम हो रहा है, 150 डिवाइडेड बाय 150, 150 इनटू 100%, 25 से 6 16.6 लगभग 16 पॉइंट समथिंग, 16.6 आना चाहिए सिक्सटीन सर। ये पॉइंट जो है सिक्सटीन बट पॉइंट दैट्स नॉट गिवन, हाँ, तो थ्री 16 है ये, पॉइंट सिक्सटीन होगा ये आंसर होना सी। चाहिए। अगर नन ऑफ दीज रहता तो जी नन ऑफ दीज में टिक लगाते, क्योंकि डिक्रीज परसेंट क्या होता है, तो मैंने बताया था डिक्रीज परसेंट होता है डिफरेंस, यानी कितना डिक्रीज है, डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर इनटू 100%, ये होता है डिक्रीज परसेंट। अगला क्वेश्चन जी, सर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? ओके सर। शायद कर ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर टू है, रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पी
टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्यू ओवर द इयर्स, यानी पी का टोटल और क्यू का टोटल, टोटल ऑफ पी, टोटल ऑफ क्यू। तो टोटल ऑफ पी में पी पाला फिगर कितना है, 100 प्लस 125 प्लस 200 प्लस 225 प्लस 275 अगेन 275। तो ये हो गया टोटल ऑफ पी, और रेशियो कह रहा है टोटल ऑफ क्यू, तो क्यू है 175, 150, 125, उसके बाद क्या है 175, फिर है 175 और 225, ये है टोटल ऑफ क्यू। तो पी का टोटल और क्यू के टोटल को ऐड करेंगे, जल्दी से पी को ऐड करो। सर 1200 कितना रहा? यस सर 1200। और क्यू का टोटल 1025। सही से निकाले हैं? यस सर। यस सर 48:41। 48:41। सभी को आ रहा है? 25 से दोनों कैंसिल हो जाएगा या 5 से कैंसिल करो, जैसे भी करना है। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू 2010 वाज व्हाट परसेंट? ये व्हाट परसेंट का क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट क्या होता है, इज बाय ऑफ इनटू 100%। तो देखो तो किसका निकालना है, 2010 में क्यू, तो 2010 में क्यू है 150, 2010 में क्यू है 150, और 2014 का 2014 का पी, तो 2015 का कितना है, 275 2755 54.5। तो इस वे ऑफ, तो पहले 150 डिवाइडेड बाय 275 इनटू 100%। बोले कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस सर 45%। कितना रहा? ऑप्शन बी 54.5, सॉरी ऑप्शन सी 25, 11 जा 25, 6 जा 600/11, 11 5 55, 5 5 0, 11 4 जा 44। तो ये तो ऑप्शन सी आ रहा है ना जी? यस सर। यस सर। आते हुए क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं कर लेना, क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से? यस सर। वो थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कहीं कहीं होगा। अच्छा जो वीडियो मिलता है वो क्लैरिटी रहता है उसमें, क्लियर रहता है एकदम? यस सर। हाँ सर। यस सर वीडियो सही आता है। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन इयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ पी ऑफ द कंपनी मोर देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ व्हीकल इन द गिवन ईयर। अच्छा पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पी का टोटल निकाला था, पी टोटल आया था कितना, 1200 आया था ना? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्षों में, यानी हम लोग वहां से लिखी ले टोटल ऑफ पी आया हम लोगों का 1200। तो दिए गए कितने वर्षों में कंपनी की टाइप पी वाहन का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहन के औसत उत्पादन से अधिक था? 3 होगा सर। कितना अधिक? यस सर 3।
तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज 200 सिक्स ईयर का है? यस सर 200। तो 200 से ऊपर कहाँ कहाँ है पी का? तो देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक 12, 13, 14 तीन yes, तो आंसर हो जाएगा, यानी 2012 में था, 13 में था और 14 में था, तो आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 5। टोटल प्रोडक्शन ऑफ पी इन ईयर 2009 and 11 इज व्हाट परसेंट टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्यू इन 2010 and 14? है तो क्वेश्चन व्हाट परसेंट का? 80% सर। लेकिन किसका किसका पूछ रहा है? पी का 9 और 11। 2009 plus 2011 और क्यू का 2010 और 2014 यही पूछ रहा था जी सर। 80% 2009 100 है और 2011 200 है, 300 होगा, तो ये 100 है और ये 200 है, यानी दोनों मिलकर 300। और क्यू 2010 150 into 25 तो ये है 150 और दूसरा है 14 का लेना है ना, 225 तो ये था 150 plus 225 कितना हो गया? 375 375 into 100% 80% जी 80 आ रहा है। यस सर 80% सर। तो क्वेश्चन क्लियर है सबों को? आगे डबल पाई चार्ट क्वेश्चन। स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट टू आंसर दीज क्वेश्चन। डिटेल्स ऑफ 1500 एम्प्लॉइज वर्किंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस स्केल, स्केल 1, 2, 3, 4 यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्केल पे जो कर्मचारी जो वर्कर्स है वो कार्यरत है, समझ में आ रहा है? तो अलग अलग स्केल है, तो सबसे ज्यादा देखो ब्रेकअप ऑफ 1500 इंप्लाइज, टोटल उस कंपनी में 1500 इंप्लाइज हैं और उस 1500 का 1 से लेकर 7 सात स्केल है, सात स्केल में डिविजन है, तो 1500 तो आप चाहो तो यहाँ पे इसका एक चार्ट बना लो। तो एक बार अगर चूंकि यहाँ लग रहा है देखो अगर परसेंटेज में तो टोटल तो 100% होगा और 100% 1500 है तो 1% 15 हो जाएगा, तो जिसका भी निकालना है जैसे स्केल 1 15 into 22 स्केल 1 का क्या होगा 15 into 22 स्केल 2 15 into 15 स्केल 3 15 into 19 स्केल 4 15 into 10 ऐसे ही ये 15 into 12 ये 15 into 14 ये 15 into 8 तो ऐसे सबका निकल गया। और ये दूसरा जो है ब्रेकअप ऑफ 800 मेल है, पहला वाला टोटल इंप्लाइज था डेट इज मेल प्लस फीमेल होगा और दूसरा वाला मेल है यानी और 100% 800 है, इसमें 100% 800 है तो 1% बराबर 8 हो जाता, तो ये 24 into 8 ये 18 into 8 जरूरी नहीं कि सबको निकाले, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे आप निकाल सकते हो, जिसका हमको जहां जरूरत होगा वो निकालेंगे ये, या टोटल का जरूरत होगा तो टोटल निकालेंगे 11 into 8 12 into 8 9 into 8 10 into 8। एक चीज और समझ लो कि टोटल में से अगर मेल लेस कर लेंगे तो फीमेल मिल जाएगा, तो आप चाहो तो यहाँ चार्ट भी बना सकते थे स्केल 1, 2, 3, 4,
5, 6 और 7. यहाँ पे टोटल, यहाँ मेल है और उसके बाद फीमेल है, फीमेल. तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, टोटल आप चाहो तो टोटल निकाल लो. तो पहला होगा 15 × 22, यहां लिखा हुआ है, तो 15 × 2 = 30, 330 आ रहा है जी. यस सर, यस सर, 330 आ रहा है. दूसरा है 15 × 15, 225, 15 का स्क्वायर 225. तीसरा 15 × 19, 285, 285, 285. यस सर, वैसे ही है 15 × 10, 150. 15 × 12, 180. 180. 15 × 14, 210. 210. 15 × 8, 120. अब है क्या मेल, 8 से ही तो गुना करना, 8 × 32, 8 × 2 = 16, 3 × 19, 192. दूसरे का 192, 144. तीसरे का 16 × 8 = 128. चौथे का 88. 13 पांचवे का 96. 88. छठे का 72. उसके बाद 80. बताओ यही है जी सर. और फीमेल जब निकालना था तो इससे आप ये लेस कर लिया करो, 10 में से 2 = 8, 12 से 9 = 3, 138 आ रहा है. दूसरे का 1 = 8, तीसरे का 7 = 15, तीसरे का 62, यहाँ का 84, यहाँ का 148, 13, 13. अब पता है, अगर डाटा हो तो ऐसे अगर बना लेते तो 5 क्वेश्चन की बात होती है ना, तो 5 में 5 सही हो जाता है, और बार बार हर क्वेश्चन पे नहीं सोचना पड़ता. जब बहुत बड़ा डाटा रहता है, जैसे यहाँ 1500 की जगह कोई और डाटा रहता, मान लो 2975 ऐसे 3 रहता, पहले का टोटल, दूसरे का रहता 12978 ऐसे रहता, तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं ब्रेक किया जाता है, ऐसे के लिए ये चार्ट नहीं बनाया जाता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना होता है. लेकिन जब ये इजी था कि 100% 1500, तो 1% पहले वाले का क्या था, 100% 1500 था, तो 1% 15, यानी हर एक को 15 से गुना करते जाओगे तो सबका वैल्यू निकल जाएगा. तो ये अगर ऐसा रहता डाटा तब ये सोचेंगे. खैर क्वेश्चन आओ, हाउ मेनी फीमेल्स आर वर्किंग इन स्केल 2. देखो जितना समय आपने यहाँ दिया उतना ही समय बचेगा स्केल 2. बताओ 81. देखो चार्ट में दिया हुआ है 81. देख कर जवाब देना है. अगला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्केल 5. स्केल 5 में देखो मेल कितना 96 और फीमेल 84, यानी 96 × 84, 12 × 96 = 96. 82 7 82 7. क्वेश्चन वो देखो, रेशियो पूछ रहा, ठीक है मेल और फीमेल का, तो ये मेल है पहले वाला और ये फीमेल है, वैल्यू एक बार निकाल चुके हैं तो उतना तो यहाँ अगर टाइम दिए तो क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगेगा. टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग स्केल 3 और 4, यानी 3 और 4 का फीमेल एम्प्लॉइज को निकाल लो. तो देखो तो 3 में फीमेल कितना है,
157 और 62 तो 157 प्लस 62 मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि वो चार्ट अगर बना लिए तो टाइम सेव हो रहा है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर ऑफ मेल इंप्लाइज वॉकिंग इन स्केल 6 मेल 6 मेल इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ इंप्लाइज इन दैट स्केल टोटल 6 तो मेल वाला तो ये चार्ट था ही 6 में ऐसे ही देख लेते हैं 8, 9, 72 और टोटल 6 14 × 15 = 210 बोलिए कोई प्रॉब्लम मेल 6 में उतना ही है ना देख लो यस सर मेल 6 72 और टोटल 210 राउंडेड ऑफ 34% 34% आंसर क्या रहा 34% क्योंकि राउंड अप करना है इंटीजर्स में तो डेसिमल वाला आएगा देख के तो लग रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में आएगा तो आप उसको नंबर में बदल दो। नेक्स्ट रेशियो ऑफ द फीमेल स्केल 6 फीमेल टू मेल स्केल 1 का मेल 6 में फीमेल देख लीजिए 6 में फीमेल 6 में फीमेल है सर 138 और 1 का मेल 1 का मेल है 192 सबों को दिख रहा है ये 138 और ये 192 तो यहां हम लोग लिखेंगे 138 और 192 हो गया सिंपलीफाई कर लो डबल फिगर है तो भी नहीं घबराना है बहुत आसान है डबल फिगर दो तरह का होगा या तो वो पाई चार्ट के टोटल अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज से कटने वाला होगा तो 100% मालूम है आप एक का निकाल के बैठे रहो कि जिसका भी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई और एंगल में है तो 360 डिग्री में रहेगा टोटल उसका भी एक डिग्री का निकाल लो ऐसा क्वेश्चन भी बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन टेबल टेबल दिख रहा है यस सर दिख रहा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग द एनुअल इनकम ऑफ 6 पर्सन ओवर द ईयर 6 पर्सन है उसका एनुअल इनकम दिया हुआ है कौन कौन है 6 पर्सन हरीश इंदिरा जसमित किरण ललिता और मनीष पर्सन का नाम है और ईयर भी गिवन है और ये लाख में है एनुअल इनकम लाख में अच्छा बताओ तो 2001 में जसमित का इनकम कितना है 2 लाख बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे आ रहा है सर 2005 जल्दी से देखो 2005 मनीष 2.8 लाख 2003 ललिता 2 लाख तो सारे ग्राफ में चाहे वो पाई चार्ट आ रहा है चाहे लाइन ग्राफ आ रहा है चाहे बार डायग्राम आ रहा है चाहे टेबल आ रहा है चाहे राडार ग्राफ आ रहा है हम लोग जितना भी देख रहे हैं ग्राफ देखने आना चाहिए क्वेश्चन तो लगभग वैसा ही होता है पढ़े क्वेश्चन In the year 2002, who among the given people got the highest increase in their annual income from the previous year? 2002 में
तो 2002 में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन डिफरेंस नहीं परसेंटेज में, परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है। आप सीधा डिफरेंस देख करके आंसर नहीं बता सकते हो। हाँ, डिफरेंस देख करके अगर कैलकुलेशन लॉजिक लगाते हो तो भले ही आंसर बता सकते हो। यानी कह क्या रहा है पहले मैं वो बताओ। हरीश बताओ, 1.50 माइनस 1.44 डिवाइडेड बाई, इतना ही ना पड़ रहा है जी, 1,44,000 से 1,50,000 हो रहा है। तो आप कुछ लोग तो डायरेक्ट घटा लेते कि सर 6,000 लिखिए ना डायरेक्ट, बोलते कि नहीं कि 6,000 लिखिए, 1,44,000, 1,50,000 कितना बढ़ा, 40%, 6,000 छह बढ़ा, और डिवाइडेड बाय 1.44 इनटू 100 करते, यानी इतना बड़ा नहीं डायरेक्ट, आप चाहते तो 6,000.6 है ना, 0.6 डिवाइडेड बाय 1.44 इनटू 100, प्रोसेस में बतला रहा हूँ, दिस इज प्रोसेस। ये किसका है, हरीश का। चलो इंदिरा का देखें, जल्दी बताओ इंदिरा, 0.11 नहीं पढ़ा जाता है, 0.11 डिवाइडेड बाय 1.45 इनटू 100%, ये इंदिरा का है। जसमीत 70% बढ़ा सर, जसमीत, जसमीत का हो गया 12.12 बढ़ा है, 0.12 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100, जल्दी से बोला करो, कम से एटलीस्ट प्रोसेस तो बोलो। जसमीत के बाद किरण, 6 बढ़ा इसका भी, इसका भी 6 बढ़ा, 0.6 है ना, 0.6 यस सर। तो ये 0.06 होना चाहिए था, जीरो यस सर। किरण का 0.06 हाँ, डिवाइडेड बाय 1.68 इनटू 100। अगला कौन है किरण के बाद, ललिता, ललिता डिवाइडेड बाय 1.80 इनटू 100 जी सर। उसके बाद है मनीष, 0.11 डिवाइडेड बाय 2.50 इनटू 100%, बताओ ये है कि नहीं है, है सर, यस सर, ये है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे कि नहीं करोगे, करना पड़ेगा सर, और कोई ऑप्शन है, नहीं करेंगे सर, छोड़ देंगे इसको। कहोगे सर आप क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरे को इतना मेरा कैलकुलेशन से डर लगता है कि एक तो सॉल्व करेंगे जल्दीबाजी होगा तो गलत भी तो हो सकता है। हाँ सर, पांच में कोई एक ऐसा तो रहेगा जो कैलकुलेटिव रहेगा, तो ऐसा रहता ही है, पांच में से एक कैलकुलेटिव रहता ही है सर। तो मैं क्या करूंगा वो देखो, इससे थोड़ा सा लॉजिक लगाना शुरू करूंगा, थोड़ा रीजनिंग लगाऊंगा। अच्छा यहाँ 0.06 बढ़ रहा है, अच्छा ठीक है, यहाँ 0.11 बढ़ रहा है, 0.11 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 0.12, लेकिन ये 0.12 आउट ऑफ 2 है, ये 0.11 आउट ऑफ 1.4 है, इज इट क्लियर और नॉट, यस सर। ये 0.11 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन 1.45 में ही, ये 0.12 लेकिन 2 में है, इसलिए ये बड़ा तो नहीं होगा, पहला में 0.6 बढ़ रहा है, 0.06, ये बड़ा कम है, ये अभी तक ये बड़ा लगा इंदिरा का। और जसमीत का क्या देख रहे हैं, 0.12 लेकिन आउट ऑफ 2, और यहां देख रहे हैं ये तो 0.8 ही है, तो ये तो ऐसे ही हट गया, ये 0.12 है बट आउट ऑफ 1.8 है, ये भी हट गया, ये 11 है 0.11 लेकिन आउट ऑफ 2 अढ़ाई है, ये भी हट गया, ये 11 1.4 में ही बढ़ गया था,
तो देख करके तो लग रहा है कि इंदिरा, मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्व करना रहता तो मैंने देख लिया इंदिरा। वीडियो इसलिए भी दिया जाता है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको बार बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसको कुछ चीजों को लिखा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है कि हरीश मात्र, हरीश अब देखो अगर स्टेप्स भी लिखते तो हरीश सर 0.06 भर रहा है 1.4 में, 4-4 में 1.4 ही लिखते। इंदिरा का 0.11 भर रहा है आउट ऑफ 1.4। तो अगर कोई कंपेयर करने के लिए कहेगा तो हरीश से बहुत ज्यादा इंदिरा का है। ये 1.45 है तो 5 लिख लो, ये 4 है तो लग अप्रोक्स द सेम है। जसमीत का 0.12 जरूर भरा लेकिन आउट ऑफ 2 है। और किरण का, किरण कितना भर कितना बढ़ा 0.06 लेकिन ये भी आउट ऑफ 1.68 तो बहुत कम है। किरण को तो देखना भी नहीं था, थोड़ा सा डाउट ललिता पे आ रहा है कि 0.12 पर रहा है और ये 1 out of 1.8, और मनीष को भी नहीं देखना था। फिर भी आपका मन हो तो देख लो। समझ में आ रहा है अब? यस सर। इसके बाद एक टाइप और मैं पढ़ाऊंगा कैसे फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन इनटू 100 मत करो लेकिन कंपेयर करने का जब टेक्निक मैं बताऊंगा बीच में कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन देख करके, यहाँ पर सर आप कैसे समझ गए कि इंदिरा का ही होगा दूसरे का नहीं होगा, तो वो कंपेयर भी मैं सिखलाऊंगा। अभी इतना ही, हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं फिर दूसरे को देखना है। यहाँ तो देख के लग रहा है कि 1.45 में इंदिरा का है लेकिन और भी बहुत बड़ा बड़ा अगर डाटा होता तो हम लोग क्या करते, तो वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज एनुअल इनकम ऑफ किरण 2004 प्रीवियस ईयर से। किरण 2004 जल्दी देखो, किरण 2004 2 लाख सर और 60,000 6,000 जस्ट पहले वाला ही है तो लिख ले 0.08। यस सर। 0.08 डिवाइडेड बाय 1.92 पहले वाले से होता है। जब भी हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज निकालते थे किससे, जस्ट पहले वाले से, जस्ट प्रीवियस वाले से। क्लियर? ऑप्शन सी होगा ना सर? अब क्या होगा आप कैलकुलेशन देख ला, स्टेप तो कर लिया, सी है। चलो अगला क्वेश्चन सी 13। What is the approximate average annual income of Harish over the years? क्या करेंगे? Total of Harish, Harish का total निकालोगे और कितने year का है? 1, 2, 3, 6 year का divided by 6। यही ना average होगा जी? Yes sir. Yes, तो Harish का कितना है? यहीं पे add कर लो। 4, 6, 10, 2, 12, 8, 20, 3, 23 का 3 कैरिंग 2, 2, 7, 9, 6, 15, 6, 21, 5, 26, 5, 31, 4, 35 का 5, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 9.53। कितना रहा? 9.53 सर। बस तो 9.53 डिवाइडेड बाय 6। अब डिवाइड करने तो आपको आता है इसलिए वो मैं नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन 14। एनुअल इनकम ऑफ 6%, एवरेज एनुअल इनकम अर्न बाय इंदिरा, इंदिरा का एवरेज कितना परसेंट है जसमीत के एवरेज? इंदिरा का एवरेज क्या कर रहा है? इंदिरा का एवरेज कितना परसेंट है जसमीत के एवरेज से?
अब इनकम है तो इनकम से, तो इंदिरा का टोटल यहां निकाल लो, और जसमीत का भी टोटल निकाल लो, 6 5 11 4 15 4 19 5 24, 2 9 11 8 19 26 26 32 5 37 4 41, 4 1 5 6 7 8 9 10, कितना रह गया? 10.14, 10.14 जसमीत का, यस सर। 2 5 7 3 10, 1 4 5 3 8 3 11 2 13 1 14, कैरिंग 1, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, 13.4। यस सर, यस तो कह रहा है क्या कि 10.14 जो है 13.40 का कितना परसेंट है? तो आप कह रहे हो, सोच रहे हो, नहीं सर एवरेज का पूछ रहा है, तो एवरेज का अर्थ हुआ पहले का भी तो डिवाइडेड बाय 6, तब तो दूसरे का भी यस सर, कट डिवाइडेड बाय जाएगा 6। दोनों। तो दोनों जब लिखेंगे आ दोनों कैंसिल ही कर देंगे तो क्यों लिखेंगे? तो एवरेज का भी परसेंट पूछ रहा है, तो हम लोग टोटल का परसेंट निकाल देंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द स्कूल टुगेदर? अब अच्छा ये 15, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनुअल इनकम ऑफ इंदिरा टू दैट ऑफ मनीष? रेशियो पूछ रहा है किसका किसका, इंदिरा का और मनीष का। तो टोटल इंदिरा, क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं रहता, केवल फिगर समझना पड़ता है। टोटल मनीष सॉल्व हो जाएगा जी सर, ऐड करके और डालने। अगला एक और लाइन ग्राफ पढ़िए, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 में है इन थ्री स्कूल ओवर द इयर्स, ठीक है? तीन स्कूल, तीनों स्कूल नजर आ रहा है क्या ग्राफ में अच्छे से? यस सर, 2002 में देखो तो स्कूल बी कितना है? 1.5 1.5 1.5, आई ये 1000 में, जब नंबर लेना होता तो 1500 हो जाता, यही ना? चलो 2003 में स्कूल ए, स्कूल ए 2005 में स्कूल सी, स्कूल सी 3 8.5 3 के बाद 3.5 3 के बाद 3.5 3 के बाद 3.5 यानी 3.5 फिर ऊपर 4 है। क्वेश्चन क्लियर? ग्राफ समझ में आ गया? जब ग्राफ समझ में आ गया तो क्वेश्चन में क्या होगा पढ़ते हैं। व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द स्कूल टुगेदर 2006 में? 2006 में सभी स्टूडेंट का एवरेज पूछ रहा है, यानी टोटल ऑफ 2006, टोटल ऑफ 2006 डिवाइडेड बाय 3, यही ना होगा एवरेज? बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस सर। अच्छा चलो सबको ऐड कर लेते हैं, 3.5 प्लस 3 प्लस 2.5 और होल डिवाइडेड बाय 3 आएगा, तो लग रहा ना 3000 होगा। 3000, यस सर, 3000 में है, जरूरत पड़े तो ये 1000, 3000 यानी आ गया 3000। सबको क्वेश्चन क्लियर? अब ये तो नहीं कहोगे कि सर डीआई नहीं पढ़ा हुआ है? नहीं सर, अब नहीं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द थ्री स्कूल एबीसी टुगेदर वाज एग्जैक्टली इक्वल अमोंग द गिवन ईयर्स? तीनों स्कूल का टोटल कितने बार इक्वल होगा? तीनों स्कूल का टोटल हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार एबीसी स्कूल का टोटल इक्वल होगा, कितने बार? 3 बार सर। अच्छा देख के ऐसा लग रहा है क्या कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है तो यही तीनों तो नजर आ रहा है, ऐड करने की आवश्यकता है। बाय विजुअल इंस्पेक्शन देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये तो 2005 6 7 में है, बाकी कहीं नहीं नजर आ रहा है। देखो ना 2004
वैसा 2003 नहीं है, वैसा 2002 नहीं है, या ये तीन, लेकिन ये तीनों जो है ढाई तीन और साढ़े तीन, यानी टोटल निकालते, अभी टोटल निकालने में समय मत बर्बाद करना, देख करके जवाब देना है कि सर थ्री टाइम्स 2005, 2006 and 2007. अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड सी 2004, तो बी प्लस सी कब का? 2004 का। व्हाट परसेंट बाद वाला नीचे लिखेंगे, किसका? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी और सी 2007 का, बी और सी 2007 का इंटू 100%। क्वेश्चन बनता क्या है, और सबसे ज्यादा डीआई का क्वेश्चन होता है, यानी लॉजिक ही तो लगाना है, फिगर ही तो देखना, जितना ऊपर लेवल के एग्जाम में जाओ डीआई। ये व्हाट परसेंट, बी और सी 2004 5.5 सर, 5.5 सर, और बाई 6.5 बी है ये व्हाइट वाला 5.5 9.5 और सी है ये वाला, यानी 2.5 और 3, सीधा लिखते 5.5 डिवाइडेड बाय बी और सी 2007 में, ये बी और ये सी, जल्दी बताओ साढ़े तीन 6.5 6.5 6.5 into 100% बोलिए। क्लियर है क्वेश्चन? मैं आंसर नहीं देख रहा, क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द स्कूल टुगेदर 2003 में और एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल बी इन 2005? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एबीसी 2003 4.5, ए प्लस बी प्लस सी कब का? 2003 का, माइनस केवल बी 2005 का। तो चलो एबीसी 2003 एक है, 5.5 सर, 5.5 माइनस 3 और 2.5, 5.5 माइनस 3 माइनस बी 2005, बी आई ए 2005 में तीन तीन है ना? यस सर, यस सर, ये 1000 में है, 2500 2500 तो यानी 2.5 इनटू 1000 2500 20। व्हाट वाज द एप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ओवर ऑल द इयर्स टुगेदर, ए का टोटल डिवाइडेड बाय 6 साल है ना, 6 टोटल ऑफ ए डिवाइडेड बाय 6, ये कॉन्सेप्ट है। ए पहला में कितना था? 1 3 होगा, वही ग्राफ पकड़ के आगे बढ़ो, 1 प्लस 2 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 2.5, 1 2 3 3 6 डिवाइडेड बाय 6, 1 2 3 1 4.5, 4 2 6 1 7 3 10 2 12.5, कितना रह जी? 12.5 ही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12 20.9 के आसपास आ रहा है। डेसिमल तो आगे ऐसे ना होगा, 6 2 12 2.09 सर, 2090 आएगा इनटू 1000, 2090 ओके। तो ये था हमारा
आज की क्लास का क्वेश्चंस शायद बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। और धीरे धीरे डर तो हट ही रहा होगा कि कभी कोई डीआई बोले तो बाबा डर क्या है, डीआई क्या है, बहुत होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा और एडवांस करेगा, उसमें टेल लगा देगा एक दो, तो हमको पढ़ने आता ही है, सॉल्व करने आता ही है, तो उसके बाद भी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे। कोई एक आध नया क्वेश्चन आएगा तो उसको देखेंगे। नए क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, हर बार नए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारा अगर बेस क्लियर है और आगे टेल लगा करके बड़े बड़े क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब सोचे ना, SBI PO केवल DI से होता है, SBI क्लॉक 50% DI से होता है, IBPS RRB PO 50% PT का DI और 100% मेंस का DI, SSC में भी DI, NTPC में भी DI, CPO में भी DI, तो सब जगह DI।